एम क्या है। आप अगर आप एम लेके चलते हो डीएमआरसी, तो आप जरूर क्वालिफाई करोगे एम अपना डीएमआरसी का, और उसमें हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प कराएंगे। ठीक है, आज हम कुछ बात करेंगे आईटीआई के, जो आईटीआई रिलेटेड ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ट्रेड की। इसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन की रीजनिंग कितनी आती है, कितने नंबर की आपकी क्वांटिटी अवेलेबिलिटी आती है, कितने तरीके की आपकी जनरल साइंस आती है, और कितने तरीके की आपकी जो ट्रेड से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ट्रेड से रिलेटेड। पिछहत्तर क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रेड से रिलेटेड 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड आते हैं। आप समझ सकते हो आप इससे कितना बढ़िया स्कोर जो कि कवर कर सकते हो। अब आती है क्वांटिटी अवेलेबिलिटी। क्वांटिटी अवेलेबिलिटी की इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग, रीजनिंग के इसमें क्वेश्चन आते हैं 10। ठीक है, रीजनिंग होगी जनरल साइंस, सॉरी जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के इसके क्वेश्चन आते हैं इसमें 10, और ये कितने हो गए 120 क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको बताता हूँ मैं, रीजनिंग होगी जनरल साइंस होगी क्वांटिटी होगी जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आते हैं आपकी 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल ये क्वेश्चन आपके बनते हैं 120, जिसमें पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, मतलब आप क्वालिफाई कर जाओ, आप जो क्वालिफाई नंबर्स होते हैं वो आपके होते हैं पासिंग मार्क्स कहेंगे जिसे हम। इकतीस 0.5 मान लो, मतलब आप 35 स्कोर करते हो, आप 35 स्कोर भी करते हो तो आपकी कट ऑफ हाईएस्ट मतलब बढ़िया जाएगी, एकदम बढ़िया, जैसे कहते हैं ना एकदम टॉप की, तो हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं देखना, आप इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, आपको बेसिक तो आता होगा, बेसिक आ जाएगा इसमें। ठीक है, आप इसमें 2 क्वेश्चन प्रोडक्ट करो, इसमें 3, उसमें कोई डिपेंड, इसमें अगर आप 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है इसका, तो आप फिर भी अगर 10 क्वेश्चन मान लो, 10 क्वेश्चन भी अगर ढंग से करके आते हो तो 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस है। आपको मैं आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 2017 में जो डे शिफ्ट थे उसमें जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए एक तरीके से मेन हो जाएगी, तो जो जिसकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है वो कृपया करके इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाएंगे और किस तरीके से प्रोसेस सारी रहेगी और किस तरीके के क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आपके स्क्रीन पे देख सकते हो आप किस तरीके से। अब इसमें हम आपको व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एफएम डिटेक्टर, एफएम डिटेक्टर का अदर नेम क्या है? डीमल्टीप्लेक्सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर एक आईसी होती है, आप देख सकते हो एक आईसी होती है जिसमें मैनी इनपुट होती है और वन आउटपुट होती है, मैनी इनपुट होती है और वन आउटपुट होती है, ये हमारी एक आईसी होती है डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये तो आपको ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये एफएम डिटेक्टर की बात कर रहा है, यहाँ एक आईसी है तो ये बिल्कुल भी नहीं है। एक्सट्रैक्टर भी नहीं है, जो एक्सट्रैक्ट करता है सिग्नल को, वो भी नहीं है। डिस्क्रिमिनेटर इसका ऑप्शन होगा, बिल्कुल राइट, और डिफरेंशिएटर तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो ठीक है आप देख लीजिए डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है आपको इसकी क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप बेफिक्र होके देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेटर इसका ऑप्शन होगा। ठीक है देख, आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन यूसेज, मॉड्यूलेशन के एडवांटेज यूसेज के एडवांटेजेस बताने हैं। ठीक है लोअर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ लोअर होगी, नहीं हो सकती क्योंकि जब मॉड्यूलेशन कराते हैं, मॉड्यूलेशन जब कराते हैं तो बैंडविड्थ उसकी बढ़ती है, उसकी बैंडविड्थ बढ़ती है जब भी मॉड्यूलेशन, जब कैरियर वेव लेके जाएगा उसकी बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी उतनी दूर तक वो ट्रेवल कर पाएगा हमारा जो सिग्नल है। ठीक है तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपकी कैरियर वेव हो गई, ये आपकी कैरियर वेव होगी। ठीक है अब जो इसके अंदर सिग्नल होगा आपका, जिसे ये कैरियर वेव कैरी करके लेके जाएगा वो ये सिग्नल होगा, ये सिग्नल होगा आपका, और इसको इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाएगा। जब ये प्रक्रिया होती है, जब कैरियर वेव को सिग्नल के साथ मिलाया जाता है तब उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब मॉड्यूलेशन होने के बाद जब सिग्नल हमारा ट्रांसमिट किया जाता है तो हमारा जो सिग्नल लॉस है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है तो स्मॉलर एंड इसमें लोअर बैंडविड्थ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेस पावर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड्यूलेशन करते समय काफी पावर की यूज होती है, तो लेजर पावर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। स्मॉलर सर्किट जब इसमें मॉड्यूलेशन भी यूज होता है, ठीक है, और जब हमारा ट्रांसमीटर भी यूज हो रहा है तो सब कुछ यूज हो रहा है, तो बिल्कुल भी इसमें स्मॉल सर्किट तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। हाँ अगर हम मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं तो इसमें कैरियर वेव दूर तक सिग्नल ले जा सकते हैं, तो इसमें हमें स्मॉल एंटीना भी हमारा चल जाएगा, ये तरीके का इसमें एडवांटेजेस हो गया क्योंकि तो हम छोटे एंटीना पे भी इसे वर्क कर सकते हैं मॉड्यूलेशन में। ठीक है इन्हें मतलब लोअर फ्रिक्वेंसी के अंदर मेनली ड्यू टू लो फ्रिक्वेंसी किस वजह से होती है, लो द गेन इज लो, लो क्यों होता है लोअर फ्रिक्वेंसी के अंदर, किसके कारण होता है, स्ट्रे कैपेसिटेंस, जो उसका स्ट्रे कैपेसिटेंस होता है उसकी वजह से, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पावर सप्लाई तो इसका बिल्कुल भी नहीं होगा, पावर सप्लाई का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है इसमें। ठीक है और फिल्टरिंग इशू से नॉइस प्रोड्यूस होती है, नॉइस कम ज्यादा होती है वो फिल्टरिंग सर्किट से हमारा होता है, तो इसमें कोई कपलिंग कैपेसिटर से जो है हमारा लो फ्रिक्वेंसी लो गेन होता है, लो फ्रिक्वेंसी में लो गेन होता है जो कि हमारा यूज होता है, एक सेकेंड, जो कि हमारा लो गेन होता है लो फ्रिक्वेंसी में किसके कारण होता है, कपलिंग कैपेसिटर की वजह से लो गेन होता है लो फ्रिक्वेंसी के अंदर, ये इसका राइट ऑप्शन हो गया, राइट आंसर हो गया इसका। क्लास ए एम्पलीफायर यूजेस ट्रांजिस्टर, ये आपको बहुत बेसिक इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसे बच्चा बता सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब जिसने सेकंड सेमेस्टर भी निकाल दिया है। ठीक है बहुत बेसिक है, जब भी क्लास ए एम्पलीफायर की बात करता तो इसमें ट्रांजिस्टर जो हमारा यूज होता है वो एक ही ट्रांजिस्टर यूज होता है, क्लास ए में एक ट्रांजिस्टर यूज होता है, क्लास बी में भी एक यूज होता है। ऑप्शन क्या बताना है इसमें, ऑप्शन 1, 2, 3 है तो इसका वन ही आंसर होगा, कोई एक ट्रांजिस्टर इसमें यूज होता है। तो हम बढ़ते हैं 4th-5th क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट एट द रेजोनेंस, रेजोनेंस में सीरीज रेजोनेंट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, कैसा इंपैक्ट पड़ता है, इसमें जो इम्पैक्ट पड़ता है वो मिनिमम इम्पैक्ट पड़ता है इस पे, तो इसका ऑप्शन जाएगा हमारे सेकंड के साथ, यानी कि मिनिमम के साथ, ना ही इसमें मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ता है रेजोनेंट सर्किट सीरीज में, सीरीज की बात हो रही है ना यहाँ पर, इसकी पैरेलल की बात नहीं हो रही, यहाँ आप देख लीजिए यहाँ पर सीरीज की बात हो रही है, सीरीज में हमेशा मिनिमम इम्पैक्ट पड़ता है, ना ही जीरो पड़ता है, ना ही इन्फिनिटी पड़ता है, ना ही मैक्सिमम पड़ता है, इसका मिनिमम इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 6th की ओर, ठीक है जो हमारे जो रिमोट टीवी में यूज किए जाते हैं वो इंफ्रा रेड वाले यूज किए जाते हैं, इंफ्रा रेड एक ट्रांसमीटर का काम करता है,
ट्रांसमीटर का काम करता है, जिससे हमारा क्या होता है, टीवी के अंदर लगा हुआ जो रिसीवर है जो टीवी के अंदर आईआर रिसीवर लगा हुआ है, आईआर, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम आईआर भी बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम आईआर भी बोलते हैं, आईआर एलईडी भी बोलते हैं, आईआर रिसीवर लगा रहता है, जिसका नंबर, बेसिकली जो नंबर होते हैं वो मैं बताता हूँ। टी शॉप 1838, कुछ इस तरीके से टी शॉप, एक ये मैंने आपको कंपोनेंट का नाम बता दिया जो रिसीवर का काम करता है, जो आपकी एलईडी में, वो सॉरी टीवी में, एलईडी में, सभी में लगा रहता है, जो आपका आईआर ट्रांसमीटर को रिसीव का काम करता है। इसमें एक सिग्नल आपके जनरेट हो जाता है टीवी के, टीवी से जब आप रिमोट से जब आप फ्रिक्वेंसी करते हो, तो टीवी पे, इस पे रिसीवर पे सिग्नल जनरेट होता है, जिससे उसे पता चलता है कि आपने कौन सी, उसमें की दबाई हुई है। तो ये आपका जो यूज होता है वो ट्रांसमीटर, यानी कि इंफ्रा रेड एलईडी यूज होता है। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन जाएगा, तो ये सही ऑप्शन है आपका, सही आंसर है एलसीडी। ठीक है, लेजर हो नहीं सकता इसका, लेजर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पीएन डायोड की बात करी है, एक प्रॉपरली बेस्ड, मतलब प्रॉपर पूरी तरीके से जो बेस्ड हो पीएन जंक्शन पे। इसमें कई तरीके की लेंस और कुछ इसमें होता है, तो इस वजह से ये आपका ऑप्शन लेजर नहीं होगा। ठीक है, फोटो डायोड बिल्कुल भी नहीं होगा। एलसीडी, एलसीडी तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तो बिल्कुल नहीं। लाइट एमिटिंग डायोड, जो लाइट को इमिट करके निकालती है, इमिट करके निकालता है वो डायोड। ठीक है, तो इसका हो गया लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। इस तरीके से आपको ये भी दे सकता है पूरा, इस तरीके से भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो ये आपका ऑप्शन राइट हुआ। लाइट को जो निकालता है वो डायोड, जो कि प्रॉपरली बेस्ड हो पीएन जंक्शन पर, प्रॉपरली बेस्ड हो, यहाँ पर ये प्रॉपरली लगा दिया गया है बेस्ड, जिस वजह से ये मिलते जुलते कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, मगर जो ऑप्शन आपका जाएगा वो एलसीडी, एलईडी, सॉरी एलईडी के साथ जाएगा। ठीक है, ये आपका 7th क्वेश्चन था। इस तरीके से द वैल्यू ऑफ द सर्किट फ्लोइंग थ्रू ए 120 ओम रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस द 24 वोल्ट बैटरी। अब जो ऐसे जैसा इसमें बताया गया है उस तरीके से हम इसको पहले फिगर बना लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारी बैटरी है, ये मतलब बैटरी के पैरेलल में, इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें जो बैटरीज 12 वोल्ट बैटरीज, ठीक है, तो कितने उसका द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की हमें वैल्यू पूछ रहा है कि इसमें करंट की क्या वैल्यू होगी, तो इसमें हम ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो हमें क्या निकालना है, आई निकालना है, तो आई निकालेंगे तो V/R हो जाएगा, V/R। आप देख सकते हो ये आपका करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, इजी फॉर्मूला होता है, आपको सभी को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, अब आप इजीली इसकी वैल्यू लिख दीजिए, 24 वोल्ट हमारा क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, 120 हमारा क्या हो गया, 120 हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा आई, जब इसको हम काटेंगे ये गया 12, ठीक है, ये गया 60, अब ये गया 5, यानी कि 1/5 को जब आप काटोगे तो 0.2 एम्पियर आएगा, 0.2 एम्पियर आएगा। तो इसमें हमें जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वो पहला ऑप्शन दिया गया है 500 मिली एम्पियर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है इसमें 200 मिली एम्पियर, ठीक है, तीसरा इसमें दिया गया है 5 एम्पियर, और फोर्थ इसमें दिया गया है 2 एम्पियर, तो ये आपका 0.2 एम्पियर था। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ठीक है, 0.2 एम्पियर,
इसमें तो एम्पियर में दिया गया एम्पियर, मतलब आपका अगर एम्पियर में आप देखोगे तो 5 एम्पियर 2 एम्पियर आ रखा है, मगर आपका आंसर 0.2 एम्पियर है, 0.2 एम्पियर है। अब इसको आप मिली एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो आप इनमें से देख सकते हो कोई सा एक आपका ऑप्शन होगा 0.2 एम्पियर, ठीक है। इनटू जब आपको एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा तो आप 100 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ का एक पॉइंट जब आप हटाओगे तो यहाँ 10 आएगा, 10 आने से आपकी एक जो जीरो है वो कट हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी दो जीरो ये नहीं और एक ये टू आपका ये रहा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आपका आएगा और आपने मिली एम्पियर निकाला तो ये हो गया आपका मिली एम्पियर। तो ये आपका आंसर आप देख सकते हो किसके साथ जा रहा है, सेकंड के साथ आपका जा रहा है, ये सारे जो ऑप्शन है वो गलत। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ज्यादा टफ डिफिकल्ट नहीं होते, इजी होते हैं अगर आप थोड़ा सा हमारे चैनल पे अगर आप स्टडी करते हो, आप थोड़ा पढ़ते हो तो आप इजीली जो आप डीएमआरसी का जो आपका एम है वो इजीली क्वालिफाई कर लोगे आप इजीली। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आधे घंटे हमारे चैनल को देखना है, मतलब आधे चैनल आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे हमारे चैनल को देख के, जिससे आपका ही प्रॉफिट होगा। आप देख सकते हो कितने इजी इजी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से हम उन्हें सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, जिस तरीके से आप क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन करोगे तो आप अपना जो एम है वो सक्सेसफुली आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपना जो हमारा 9th क्वेश्चन था उसे हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन 9th हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है। तो आप इसके जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो इजी आंसर है, वो आप मेरे को बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये आपका स्टार्ट आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, ठीक है। बताइए व्हाट इज द इंटरफेस यूज्ड टू प्ले मीडिया फ्रॉम ए हार्ड डिस्क ऑन एन एलईडी टीवी एलसीडी टीवी। तो इसका आंसर आपका किसके साथ जाएगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये आपका टाइम हुआ अब, ठीक है। पैरेलल पोर्ट पहले बात करते हैं, RS-232 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है इसका। पैरेलल पोर्ट ये होता है, पैरेलल पोर्ट यूज होता है, यूएसबी का भी पैरेलल पोर्ट होता है, सीरीज पोर्ट होता है। तो ये पोर्ट से तो आपका रिलेटेड है ही नहीं, पोर्ट से तो आपका रिलेटेड है ही नहीं। आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू जो आपकी केबल होती है, रेड ब्लू ग्रीन जो केबल होती है जिससे आप अपना डैन कनेक्ट करते हैं टीवी के साथ, जो तीन कलर की केबल पहले आया करते थे, अब तो एचडीएमआई केबल यूज होने लगी है, ठीक है। ये आपका यूएसबी इज द राइट करेक्ट आंसर। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का काम क्या होता है, आपके पास अगर कंप्यूटर है, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर है, आप इसमें यूएसबी लगाओगे, इसमें जो भी आपका डाटा होगा, जो भी आपका मीडिया होगा, इसमें बात करिए मीडिया, ठीक है। हार्ड डिस्क किसमें लगी होती है, कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क लगी रहती है जिससे आप कंप्यूटर से कोई डाटा आप कॉपी करोगे, कोई मीडिया कॉपी करोगे, उस पेन ड्राइव को अपनी अगर आप टीवी में, आजकल के टीवी जो एलसीडी टीवी होती है, एलईडी टीवी होती है, कोई सी भी बेसिक से बेसिक स्मार्ट ना हो फिर भी वो आपकी टीवी में क्या होगा, पेन ड्राइव सपोर्टेबल होगा। क्या होगा, पेन ड्राइव सपोर्टेबल होगा। पेन ड्राइव मतलब यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिससे आप क्या करोगे, आपकी पेन ड्राइव में जो भी आपने मीडिया डाली है वो पेन ड्राइव के थ्रू एलसीडी एलईडी टीवी में प्ले हो जाएगी। क्वेश्चन करते हैं 10th क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा है क्वेश्चन कुछ भी, ये डीएमआरसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं करा रहा, ये खुद डीएमआरसी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हो डीएमआरसी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा, ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर 2017 का डे शिफ्ट का, तो ये हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। आपने अगर बेसिक पढ़ा होगा, इसका बेसिक पढ़ा होगा तो आप इजीली बता सकते हो इसका जो आपका आंसर है वो किसके साथ जाएगा। देन
एन एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। अगर हम बैन जब हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो किस तरीके का मिलता है, बनता है जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो किस टाइप का बनता है, वो हमारा बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर का बनता है। किस टाइप का बनता है? पी टाइप का। तो आपका आंसर जो है वो सेकंड के साथ चला जाएगा, ठीक है। आप अपने एम जो है वो अचीव करने में कोई दिक्कत ना आए। आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब 10 क्वेश्चन के बाद जितने भी आपके बच रहे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में आपके कंप्लीट कराते रहेंगे, ठीक है। अब ये टाइम काफी हो चुका है, तो 10 क्वेश्चन आप इन्हें अच्छी तरीके से कर दीजिए। ये पूरे 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 75 क्वेश्चन होने के बाद आपको लास्ट में एक पीडीएफ मिल जाएगी। पूरे ऑल क्वेश्चन जितने भी मैं आपको कराऊंगा सभी की एक आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप और बढ़िया तरीके से अपनी जो क्वेश्चंस हैं उससे आप नोट्स बना सकते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं चैप्टर जिस चैप्टर से आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वो हम आपके चैप्टर भी कंप्लीट कराएंगे कि किस तरीके से कौन से चैप्टर से क्या पूछा जा सकता है, क्या उसमें गुंजाइश रहती है पूछने के लिए, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरीके से, तो ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू, ठीक है। आपका एम, आप एम नहीं भूलना, आपका एम क्या है? एम आपका डीएमआरसी है, डीएमआरसी में नौकरी पानी है आपको, ठीक है। और इस चैनल पे आपको इसी तरीके से कुछ रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, एसएसबी से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी, जिससे आपको अपने जो एम आपने जो आपने सेट कर रखा है, आपने जो गोल सेट कर रखा है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अचीव होगा। आपको बस नॉलेज मिलेगी, आपको बस आपका एम दिखेगा इसमें, इस चैनल में बस आपको एम दिखेगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी आगे, किस तरीके से आप अपना एम अचीव कर सकते हो, किस तरीके से इजी क्वेश्चन करके आप अपना जो एम है वो अचीव कर सकते हो आप। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।